ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 12 प्रयार संख्या 83। तो चल रहा है गुंडीचा मंदिर का मार्जन, और हमने देखा कैसे सारे भक्त जो है 100-100 झाड़ू इत्यादि लेके मंदिर में साफ कर रहे हैं। और हमने कई चीज़ें सुनी कि उन्हें एडवांस में मंदिर को साफ किया, जब भगवान के आने से पहले चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उस सेवा को लीड किया। सारे भक्त बड़े उत्साह से लगे थे, उन्होंने उन उन जगहों को भी साफ किया जो जगह सामने से दिखती नहीं है। उन्होंने छत को भी बहुत अच्छे से साफ किया और ये सफाई चल रही है। छोटे बड़ा मंदिर कैल मार्जन शोधन, पाछे तैछे शोधिल श्री जगमोहन। इस तरह महाप्रभु तथा उनके संगियों ने मंदिर की बड़ी तथा छोटी सारी इमारतें बुहारी और साफ की, और अंत में उन्होंने मंदिर तथा कीर्तन के सभा स्थल के बीच में के भाग को भी साफ किया। तो अंत में मंदिर और कीर्तन के सभा स्थल, जो मेन जगह है जहाँ लोग आते हैं, उसको साफ किया। लेकिन उसके पहले छोटी बड़ी इमारतें, छत, गार्डन, बाहर, अंदर सब साफ कर दिया। चारिदिक के शत, मुझे इससे याद आता है कि इस प्रकार से हिजोलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने अपनी पहली मीटिंग में प्रभुपाद के कमरे को 6 घंटे तक साफ किया प्रभुपाद के आने से पहले। वो नहीं जानते थे कि प्रभुपाद को इस बात का पता चलेगा कि नहीं, बल्कि वो ये भी नहीं जानते थे कि प्रभुपाद कौन है। वो जानते थे कोई स्वामी, कोई भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं, मिले भी नहीं थे उनसे। और उनके रूम को, और वो आप जानते हैं कितनी डिग्रियाँ हासिल किए हुए थे, विदेशों से काफ़ी पढ़े लिखे थे, लेकिन अकेले उस रूम में उन्होंने 6 घंटे तक साफ़ किया। और हमने सुना कि कैसे उन्होंने ऊपर नीचे शेल्फ़ वगैरह हर चीज़ को साफ़ किया। 6 घंटे कमरे को साफ़ करना इज़ समथिंग। तो वही भाव हमें अपने गुरु परंपरा में भी दिखता है। चारिदिके शत भक्त सम्मार्जनी करे, आपन ईशो धेना प्रभु शिखाना सबारे। सैकड़ों भक्त मंदिर के चारों ओर सफाई करने में लगे थे, और श्री चैतन्य महाप्रभु दूसरों को शिक्षा देने के लिए स्वयं भी कार्य कर रहे थे। प्रेमोल्लास शोधेन लयेन कृष्ण नाम, भक्त गण कृष्ण कहे करे निज काम। चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत उल्लसित होकर सारे समय कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए मंदिर को बुहारा और धोया। और इसी तरह सारे भक्त भी कीर्तन करते जाते थे और अपना अपना कार्य कर रहे थे। यानी कि जैसे हमने उस दिन सुना था कि हम प्रसाद पाते हुए किस तरह से हरी हरी बोलते हैं, तो हमें ध्यान में आता है कि ये हरी का प्रसाद पा रहे हैं। उसी तरह से कोई भी हम सेवा करें तो भगवान का नाम अगर हम लेते रहें किसी भी तरीके से बीच बीच में बार बार, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारी चेतना एकदम शुद्ध रहेगी कि हमें किसके लिए काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। क्योंकि काम करते करते हम भूल जाते हैं और मोड ऑफ पैशन में चले जाते हैं, तो हमें ध्यान रहे हम किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो बार बार भगवान के नाम जो है बीच बीच में लिए जा सकते हैं। तो इसी तरह से ये साफाई कर रहे थे और बीच बीच में कृष्ण नाम लिए जा रहे थे। धूली धूसर तनु देखी ते शोभन, कहाँ कहाँ अश्रु जले करे समार्जन। महाप्रभु का सारा सुंदर शरीर धूल से धूसरित था, सारे शरीर में धूल लग गई थी। और भगवान का जब शरीर में धूल लगती है तो और सुंदर लगने लगता है। जैसे हम कृष्ण लीला में सुनते हैं कि भगवान जब गौचारण करते थे तो गौचारण से गायों के चलने से ब्रज की धूल उड़ा करती थी और धूल उनके शरीर पर आ जाती थी, और उनके शरीर से कभी कभी पसीना बहता था, और पसीना और धूल बड़ा सुंदर लगता था। जैसे हम सुनते हैं कि पार्थ सारथी के रूप में जब भगवान अर्जुन के सारथी थे, तब भी कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला, और हमारे शास्त्र बताते हैं कि भगवान उसमें और ज़्यादा सुंदर लगते थे। तो उनका शरीर धूल से धूसरित था, इससे वे और भी दिव्य रूप में सुंदर लगने लगे। मंदिर की सफाई करते हुए कभी कभी महाप्रभु के आंसू आ जाते, और कहीं कहीं तो उन्होंने उन्हीं आंसुओं से धुलाई करी। तो पानी की जरूरत होती है धुलाई के लिए, पहले झाड़ू से बुहार कर दिया था, धूल ऊपर की हटा दी थी, अब पानी से भी साफ किया था बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो पानी ना लेके कहीं कहीं आंसू ही इतने बहके नीचे गिरते थे नदी की तरह कि उसी से ही सफाई हो जाती थी। और हम एक चित्र में देखते हैं किस प्रकार से महाप्रभु गुंडीचा मंदिर की सफाई कर रहे हैं, उनके आंसू बह रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति ने मौका देख के हाथ ऐसे किया और आंसुओं को पी लिया। बहुत कुछ चल रहा था उस वक्त, सब लोग भाव में थे, तो कहीं कहीं उन्होंने आंसुओं से ही धुलाई हो गई।
भोग मंदिर शोधन करी शोधिल प्रांगण सकल आवास क्रमे करिल शोधन। इसके बाद जहाँ अर्थ विग्रह का भोजन रखा जाता था भोग मंदिर, उस स्थान की सफाई करी गई। तत्पश्चात आंगन साफ किया गया और तब एक एक करके सारे रिहायशी मकान साफ किए गए, यानी कि आसपास जो पुजारियों के घर ये वो हर जगह को साफ किया गया। तो ऐसा ही हमें करना चाहिए। अभी अभी आप लोगों ने शायद किया होगा जन्माष्टमी के दिन, राधा अष्टमी के दिन, इस तरह से कई उत्सव हमारे जीवन में आते हैं तो हम इसी प्रकार की सफाई करते हैं, क्योंकि हम यही मानते हैं कि हमारा घर भी क्या है, मंदिर है, और मंदिर ही होना भी चाहिए, ऐसा लगना भी चाहिए कि मंदिर है, केवल बोलने से नहीं होगा। तो तत्पश्चात उन्होंने आंगन साफ किया, एक एक रिहायशी मकान को साफ किया, तृणा धूली झिंकुर सब एकत्र करिया, बहिर्वासे लया फैलाए बाहिर करिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तिनको धूल बालू के कणों को एक स्थान पर एकत्रित किया और फिर अपने वस्त्र से बांधकर उन्हें बाहर ले जाकर फेंक दिया। बड़ा ही डिटेल में बता रहे हैं, यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि आए फटाफट झाड़ू मारा चलो जी हो गया गुंडीचा मार्जन, पूरी चीज़ों को एक एक चीज़ों को बता रहे हैं, कैसे साफ किया, कैसे धूल इकट्ठी करी, उसको उठाया और उसको फेंक के आए। एई मत भक्तगण करी ने जवा से तृणा धूली बाहिर फैलाई परम हरीशे। चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण का अनुसरण करते हुए सारे भक्त भी उल्लास पूर्वक तिनके और धूल को अपने अपने वस्त्रों में बांध बांध कर मंदिर के बाहर ले जाकर फेंकने लगे। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम भी अपने जीवन में अपने अंदर के सारे अनर्थों को नोट करें, एक एक अनर्थ को इकट्ठा करें, उनको कपड़े से बांधें और अपने से दूर फेंकें। गंदगी को हमें फेंकने की आवश्यकता है। हमने सुना था किस प्रकार भगवान के आने से पहले उस जगह को कैसे साफ करना चाहिए, उसी तरह से हमें अपने मन को कैसे साफ करना चाहिए। तो हम ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे अनर्थ हमें दिखेंगे, अपनी कमियां दिखेंगी, हमें उन्हें कलेक्ट करके बाहर फेंकने की आवश्यकता है, नहीं तो कैसे उस जगह में भगवान विराजमान होंगे जहाँ इतनी गंदगी होगी। प्रभु कहे केकत करी याचे सम्मार्जन, तीर्ण धूली देखी ले जानी परिश्रम। तब महाप्रभु ने भक्तों से कहा, मैं केवल यह देखकर कि कितने तिनके तथा धूल बाहर ले जाकर ढेर लगाया जाता है बता सकता हूँ कि आप लोगों ने कितना परिश्रम किया है और कितनी अच्छी तरह से मंदिर की सफाई करी है। भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे कि कोई व्यक्ति कितने भक्त बनाता है, कितने भक्तों को बनाने का प्रयास करता है, उससे पता चलता है कि उसके अंदर भक्ति की आग कितनी जबरदस्त तरीके से लगी हुई है। उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि कितना बड़ा धूल का ढेर तुमने बाहर बनाया है, उससे पता चलेगा कितने हृदय से तुमने सफाई करी है। ध्यान रखें, अगेन सफाई हम इसलिए नहीं करते हैं कि कोई देखेगा, कहेगा देखो जी कर रहा है। जिसके हृदय में वाकई में ये होगा कि उसको साफ करना है, तो वो साफ जगह को भी में से भी बहुत सारी गंदगी निकाल देगा। जिस प्रकार हमें ध्यान से देखने पर भी अपने अंदर कमियां नहीं दिखती है, और जो व्यक्ति इंट्रोस्पेक्शन करता है, इंट्रोस्पेक्शन करना जानता है, वो व्यक्ति ऐसी जगह में से भी गलतियां निकाल लेता है अपने हृदय से। अक्सर देखते हैं हमें अपने हृदय में गलतियां दिखती नहीं है, लेकिन जो वास्तव में इतना सफाई करना चाहता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे ढेर से जो तुमने बाहर फेंका उससे बता सकता हूँ कि तुमने कितना परिश्रम किया, कितने अच्छे से सफाई करी। तो कितने परिश्रम की आवश्यकता है हमें अपने ऊपर भी करने के लिए, अगेन कितनी हमें अपने अंदर कमियाँ दिखती हैं, हमें अक्सर दूसरे में ही कमियाँ दिखती हैं। जब हमें अपने में कमियाँ दिखेंगी, समझ लीजिए उतना परिश्रम हमने किया इस धूल को साफ करने के लिए। यदि हमें कोई दिख ही नहीं रहा है तो हमें गंदा कमरा भी साफ दिख रहा है। जैसे मैंने कहा कि गुरु महाराज ने 6 घंटे लगाए, अदरवाइज एक रूम में आप आधे घंटे में सफाई करके निकल सकते हो वहाँ से। तो कितना इसका मतलब, जो साधु पुरुष होता है वो अपने अंदर कितनी कमियाँ देखता है, जहाँ पर एक साधारण व्यक्ति को कमी दिखती नहीं है अपने अंदर, इसीलिए उसके वो दूसरों के अंदर दिखती है, लेकिन ऐसे संतों को हमेशा अपने ही अंदर कमियाँ दिखती हैं। भगवान भी अपने एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं बतला सकता हूँ कि आप लोगों ने कितना परिश्रम किया है, कैसे मंदिर की सफाई करी है। सवार छाटान भोजा एकत्र करीला, सभा हिते प्रभुर भोजा अधिक हईला। यदि भी सारे भक्तों ने धूल का एक ढेर लगाया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का ढेर सबसे बड़ा ढेर था, उनका जो ढेर था वो सबसे बड़ा था। एई मत अभ्यंतर करिल मार्जन, पुनः सभा कार्य दिल करिया बंटन। जब मंदिर की भीतरी सफाई हो गई तो महाप्रभु ने फिर से
भक्तों द्वारा साफ किए जाने के लिए अलग अलग खंड निर्धारित किए। अब मंदिर की सारी सफाई हो गई, भीतर की ऐसा लगता था। अब महाप्रभु ने फिर से नए जगह ढूंढी, सारे भक्त थे, सैकड़ों भक्त थे, कि तुम अब यहाँ करो, तुम अब यहाँ करो, तुम हम यहाँ करो, है ना। जैसे हम गुरु के पास जाते हैं तो हमें बोलते हैं, अच्छा आपने इस कमी को अब दूर किया, अब इस कमी पे काम करो, अब इस कमी पे काम करो। लेकिन अक्सर हम पूछना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि कुछ बता दिया तो, मेरे अंदर कुछ कमी बता दी तो, मुझे कुछ करना पड़ गया तो। तो बताते हैं कि अब ये वाला खंड तुमने साफ कर लिया है, अब इस खंड पे काम करो। सूक्ष्म धूलि तृण कांकर सब कर दूर, भाल मते शोधन कर प्रभुर अंतापुर। और उसके बाद महाप्रभु ने सबको आदेश दिया कि वो सारी बाकी सारी बारीक धूल तिनके तथा बालू के कणों को बाहर फेंककर अच्छी तरह से मंदिर के भीतरी भाग की सफाई करें। तो सारे तिनको, बाले, कणों सब फेंक दीजिए और फिर से और सफाई कीजिए। सब वैष्णव लइया यबे दुई बार शोधिला, देखी महाप्रभुर मने संतोष हिला। जब चैतन्य महाप्रभु ने सारे वैष्णव ने चैतन्य महाप्रभु तथा सारे वैष्णव ने मंदिर की दोबारा सफाई कर ली, तब चैतन्य महाप्रभु सफाई देख के बड़े प्रसन्न हुए। एक बारी में होता नहीं है ना, आप एक बारी में करते हो, कुछ कुछ धूल उड़ती है, जब आप इसको बाहर फेंक के आते हो तो धूल फिर से सेटल होकर नीचे गिरती है, फिर वो धूल दिखने लगती है। जैसा हम जब आए थे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें हमारे परंपरा में कई भक्त देते थे कि किस प्रकार से यदि हम भक्ति में जब आते हैं, जैसे किसी कमरे में जहाँ सालों से सफाई नहीं हो, कोई सफाई करने घुसता है तो एकदम से धूल उड़ जाती है चारों तरफ, क्योंकि धूल सेटल हो चुकी होती है। उसी तरह जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारे अनर्थ खत्म नहीं होते हैं, हमारे अनर्थ सेटल हो चुके होते हैं, कहीं कहीं सेटल होते हैं, कोई कोई अनर्थ कभी उठ के आता है। और जैसे ही हम भक्ति करते हैं तो एक एक अनर्थ छिड़ने लगता है और वो धूल की तरह उड़ने लगता है, और थोड़ी देर में कमरे में ज़बरदस्त धूल हो जाती है। हमने अपने हृदय में अनर्थों का भंडार दिखने लगता है, भंडार। यदि नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब हमने सफाई करनी शुरू ही नहीं करी। तो वो जो अनर्थ के भंडार हैं, हम किसी तरह से धूल उड़ाते हैं, पोंछा लगाते हैं। आप देखेंगे कभी किसी ऐसी जगह में अगर आप पोंछा लगा देंगे, आपको लगेगा एकदम साफ हो गया, थोड़ी देर में जब आप वहाँ पर वापस आएंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर में जब आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर धूल की लेयर चिपकी हुई होगी, कि जो आपने पोंछा लगाया था अब पता चला, अरे वो तो पोंछा लग ही नहीं पाया था, वो तो धूल की लेयर जम गई अब तो। फिर आप दोबारा पोंछा लगाते हैं, फिर पाते हैं, फिर थोड़ी कम धूल रहती है। इस प्रकार कई बार साफ करने पर वो धूल हटती है। तो कितना परिश्रम की आवश्यकता है हमें अपने ऊपर करने के लिए। इसलिए कहते हैं कि भक्ति में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारा प्रयास और भगवान की कृपा। कृपा तभी मिलेगी जब हम प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास कैसा, कितना इंटरनल होना चाहिए, एक्सटर्नल के साथ साथ हमें अंदर के विचारों को कितना इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। अपनी कमियों को बार बार करेंगे तो ही ये सफाई होगी। तो दोबारा जब सफाई कर ली तब महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। आर शत जन शत घटे जल भरी, प्रथम में ही लइया आछे काल अपेक्षा करी। जब मंदिर बहारा जा रहा था तो लगभग 100 व्यक्ति जल से भरे घड़े लिए तैयार खड़े थे। ये लोग तो अभी धूल को साफ कर रहे थे, अब धूल के बाद पोंछा भी लगना था। हाँ, तो ये लोग 100 घड़े लेके तैयार हैं और उनमें से पानी फेंकने के लिए महाप्रभु के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, विमसिलिकली नहीं कर रहे हैं। कई बार बच्चों को अगर झाड़ू पोंछा मारने के लिए दे दिया जाए तो बच्चों की मतलब लॉटरी लग जाती है। बच्चे पानी को गिरा, उसमें स्विमिंग कर, लेट पटेक सब कुछ करते हैं, बड़ा आनंद आ जाता है उन्हें, है कि नहीं। यहाँ पर जो है भक्त लोग महाप्रभु के आनंद के लिए सफाई कर रहे हैं, इसलिए घड़े लेके खड़े हैं शांति से। जब महाप्रभु आदेश देंगे उसके बाद हम करेंगे। हाँ, इस तरह से कई बार हम कुंडों में जाते हैं, बड़े पवित्र कुंडों में, कुंड देखते ही हमारे अंदर की मछली जाग जाती है, क्योंकि मछली के कई बार जलचर, बहुत सारे जल के प्राणी बन के हमने जीवन बिताया होगा। तो भक्त लोग अनकंट्रोल होके ऐसे भागते हैं बिना किसी डायरेक्शन के, तालाबों में कूद जाते हैं। तो हर चीज़ में, चाहे सफाई क्यों ना हो, चाहे साधना क्यों ना हो, हम भगवान की और गुरु की प्रसन्नता के लिए उसको करते हैं, इसलिए आदेश का प्रतीक्षा करते हैं। जल आन बलि सब महाप्रभु कहिला, तबे शत घट आनी प्रभु आगे दिला। जो ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने पानी लाने के लिए कहा, क्यों ही सारे लोग तुरंत जल से भरे उन 100 घड़ों को ले आए।
और महाप्रभु के सामने रख दिए। प्रथम करीला प्रभु मंदिर प्रक्षालन ऊर्ध्व अधो भित्ति गृह मध्य सिंहासन। और चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले मंदिर के मुख्य मंदिर को धोया और फिर छत धोई, दीवारें फर्श सिंहासन कमरे के भीतर की अन्य वस्तुओं को भली भांति धोया। तो पहले धूल साफ करी थी, अब हर वस्तु को धोया जा रहा है। खापर भरी या जल ऊर्ध्व जल चलाईला सही जले ऊर्ध्व शोधी भित्ति पक्षा लीला। तब चैतन्य महाप्रभु स्वयं तथा उनके सारे भक्त छत पर जल फेंकने लगे। जब ये पानी नीचे की ओर गिरा तो उससे दीवारें और फर्श धुल गए। ऊपर से धुलता हुआ नीचे आया और नीचे भी धुलता चला गया। इस प्रकार सारी चीजें धुलती चली गई। लेकिन बड़ा समझदारी से क्या होगा, जो लोग घड़े लेके वेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं पर दिए जल रहे हैं और दिए में भी पानी गिर दिया। या आजकल के उसमें देखा जाए इलेक्ट्रिक बल्ब लगे हैं, स्विच लगे हैं, लाया चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मार्जन किया था 100 घड़ों से, प्रभु जी हम सारी दीवारें धो देंगे, पता लगा वहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया, सब फूक गया वहाँ पर, आग लग गई। बड़ी समझदारी से जैसे ये लोग आराम से खड़े हैं, घड़े लाने को बोला तो ऐसा नहीं अरे घड़े पानी पानी, घड़े ला के वहाँ रख दिए। फिर एक एक चीज़ को बड़ा ध्यान से उन्होंने किया ऐसा लगता है। और कितनी डिटेल में ये चर्चा हो रही है चैतन्य चरिता में, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर आत्मा शरीर के बारे में बिल्कुल बात नहीं हो रही है। जीव कृष्ण का नित्य दास है, इसके बारे में बात नहीं हो रही है। मंदिर को धोने के लिए झाड़ू पोंछा पानी की बात हो रही है। तो इसी में से हमें रहस्य निकालना होगा कि किस प्रकार से हमें, जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ, हमें कितना प्रयास करना चाहिए, हमें कैसे डायरेक्शन के अंडर में करना चाहिए। जैसे सफाई डायरेक्शन के अंडर में हो रही है कि मेरे कौन कौन से अनर्थ हैं, कैसे काम करना है, कितना प्रयास करना चाहिए। और हमें कितना हम्बल और सर्वेंट बनना चाहिए, ये भी दिखता है। कैसे भगवान की मिनियल सर्विस करने के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए, यानी कि मैं बड़ा प्रचारक हूँ तो मैं झाड़ू पोछा थोड़े लगाऊंगा, ये तो कोई और करेगा। तो ऐसे कई चीज़ें सिद्धांत यहाँ पर भगवान दिखा रहे हैं अपने आचरण से। श्री हस्ते करे न सिंहासनेर मार्जन प्रभु आगे जल आनी देया भक्त गण। तब चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों से भगवान जगन्नाथ का सिंहासन धोने लगे और सारे भक्त जल लाकर महाप्रभु को देने लगे। ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। हम बहुत बड़े, जैसा मैंने बोला, कोई प्रबंधक बन जाते हैं, हम माना फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर बन गए। अब हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो हमारे इशारों पर घूम रहे हैं और हम देख रहे हैं हम केवल आदेश ही दिए जा रहे हैं, आदेश ही दिए जा रहे हैं, खुद कर ही रहे। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु खुद करके दिखा रहे हैं। कोई बड़ा बड़ा सिंगर बन जाता है कई बार इस्कॉन में, तो वो देखते हैं कि मिनियल सर्विस को करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। कोई बहुत बड़ा प्रचारक बन जाता है तो वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही अपने हाथों से मंदिर की छत दीवार और जगन्नाथ जी का सिंहासन धोने लगे। भक्तगण करे गृह मध्य प्रक्षालन निज निज हस्ते करे मंदिर मार्जन। सारे भक्त मंदिर के भीतर धुलाई करने लगे। हर एक हाथ में एक झाड़ू लिए था जिससे उन्होंने भगवान के मंदिर को स्वच्छ किया। केह जल आनी देया महाप्रभुर करे केह जल देय तार चरण उपरे। उनमें से कोई महाप्रभु के हाथों में पानी लाकर देता और कोई उनके चरण कमलों में पानी गिराता। थोड़ी सी बदमाशी भी हो रही थी वहाँ पर, जैसे मैंने बोला बदमाशी ये हो रही थी कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ कहीं आंसू गिर रहे हैं तो आंसू कोई पीने लगा, कोई चरणों में पानी डाल रहा है और कोई पीछे से उसको पी जा रहा है। ये सब घटनाएं साथ साथ चल रही थी, ये दिव्य लीलाएँ भी चल रही थी। तो इससे ये भी दिखता है कि सेवाओं के रहते रहते हम ये भी ध्यान रखते हैं कि हमारे पर्सनल रिलेशन कितने इंपॉर्टेंट हैं, प्रेम संबंध कितने इंपॉर्टेंट हैं, है ना। ऐसा नहीं तूने यहाँ पर कैसे सफाई करी, इधर से इसको डांटा उधर से उसको डांटा और ऐसा माहौल बन गया, कर्कश जैसा ऑफिस में बन जाता है। तो भक्त लोग बड़ी मेहनत से कर रहे थे लेकिन साथ में प्रेम संबंध भी थे, लाइट मूवमेंट्स भी थे, बहुत ही दिव्य मूवमेंट्स कहिए इनको जो इस वक्त चल रहा है। कि चुपके से महाप्रभु के पास पानी लाए, पानी लालते लाते पैरों में गिरा दिया, अरे महाप्रभु पैरों में गिर गया सॉरी। इससे पहले ही महाप्रभु डांटे और पीछे से पानी पैरों से गिरता हुआ बहा, किसी ने उसको पी लिया फटाफट। तो ऐसा भी चल रहा था वहां पर। केहा लुकाया करे सही जल पान केहा मागी लाया केहा अन्य करे दान। चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरने वाले जल का कोई चोरी चोरी पी रहा था, कोई उस जल को मांग रहा था पीछे, दे देना दे देना दे देना, चल वहां पे साफ कर यहाँ उधर से कोई, मतलब ये सब पीछे से चल रहा है। और कोई उस जल का दान कर रहा था, कोई कोई ने इकट्ठा किया ऐसे अपने आप पिया और सबको बांट रहा है। पीछे से मतलब सेवा छोड़ के ये काम भी चालू है। लेकिन जैसा हमने बताया कि सेवा के साथ साथ ये चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, रिलेशनशिप्स,
और हमारा ये जो वैष्णव कल्चर है जिसमें कि भक्त पद धूली, भक्त पद जल है ना, भक्त उच्च उच्छिष्ट, तीन महाबल हम जानते हैं कैसे, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये भी साथ साथ चल रही हैं, प्रेम संबंध भी चल रहे हैं। ओके, घर घुई घर धुई प्रणालिकाय जल छाड़ी दिल सही जल प्रांगण सब भरिया रहिल। जब कमरा धुल गया तो पानी को एक नाली से बाहर निकाल दिया गया और यही पानी बहकर बाहर के प्रांगण में भर गया। निज वस्त्रे कैलम प्रभु गृहे सम्मार्जन महाप्रभु निज वस्त्रे माजिल सिंहासन। महाप्रभु ने अपने वस्त्रों से कमरे को पोंछा और उन्हीं वस्त्रों से सिंहासन को चमकाया। इसमें हमारी कॉटन की साड़ी भी खराब हो सकती है और हमारा बहुत बढ़िया मटका सिल्क का धोती कुर्ता भी खराब हो सकता है। तो ध्यान रखिए, महाप्रभु ने तो अपने ही कपड़ों से पोंछ डाला, उन्हीं चीज़ों को अपने कपड़ों से पोंछने लगे, जिसको पहले झाड़ू मारा फिर पानी मारा, अब अपने कपड़ों से फाइनली सुखाने लगे। तो इस तरह का भाव चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे हैं। तृण आदि भी सुनी चैन इसको कहते हैं, तरोर अपि सहिष्णुः, कैसे निम्न बनकर प्रेम से भगवान की सेवा करी जाती है। इससे हमारा हृदय हमेशा कोमल बना रहता है, अहंकार की भावनाएं समाप्त हो जाती हैं, जो भक्ति उठा अनर्थ हमारे हृदय में आते हैं, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स राइटियसनेस का लगता है, हम वी आर राइट दे आर रॉन्ग, वी आर डिवोटीज दे आर नॉन डिवोटीज, ये ऐसा भेद करना है, लेकिन ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए। तो ये जो आ जाता है भक्ति के साथ साथ धीरे धीरे ऐसी घटनाओं से वो सारा अहंकार चूर हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में ये सब करने का प्रयास हमें करना ही चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो उन्होंने उन्हीं वस्त्रों से उनको चमकाया। शट शत घट जले हैल मंदिर मार्जन मंदिर अशोधिया कैला ये न निज मन। इस तरह पानी के 100 घड़ों से सारे कमरे धो दिए गए। कमरों की सफाई के बाद भक्तों के मन कमरों की ही तरह निर्मल हो गए, ऐसा भी हमने डिस्कस किया। इस सेवा से भक्तों के हृदय निर्मल हो गए। जैसा हमने बताया कि कई बार बहुत बड़े बड़े काम करने से भी आदमी का हृदय थोड़ा सा चढ़ जाता है ऊपर, इसलिए निर्मल सेवा करने के लिए निर्मल सेवाएं करनी आवश्यक हैं, या मीनियल सर्विस भी आवश्यक है। निर्मल शीतल स्निग्ध करिला मंदिर आपन हृदय ये न धरिला बाहिरे। स्वच्छ हो जाने के बाद मंदिर शुद्ध शीतल और मन भावन हो गया, मानो स्वयं महाप्रभु का शुद्ध मन प्रकट हुआ हो। इस प्रकार से अनर्थों के जाने से आप देखेंगे आपको किसी चीज़ की मनोरंजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वास्तव में हमारी मनोरंजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, एंटरटेनमेंट, क्योंकि हमारा मन है सांसारिक लोगों के साथ सांसारिक चीज़ों में ड्राई हो जाता है, फिर वो सुख ढूंढने बाहर चलता है, इधर उधर सुख ढूंढने जाता है। उसको लगता है कि कश्मीर में सुख मिलेगा, किसी को लगता है कपड़ों में सुख मिलेगा, किसी को लगता है कुछ बहुत बढ़िया क्रिएटिविटी करेंगे तो सुख मिलेगा, और बहुत चीज़ें हैं उसको लगती हैं, यहाँ सुख मिलेगा, वहाँ सुख मिलेगा, पैसे आ जाएंगे तो सुख मिलेगा, कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें सुख मिलेगा। वास्तव में दुख का कारण है हमारे अनर्थ, और जैसे ही हृदय निर्मल हो जाता है तो व्यक्ति सुख का आनंद बैठे बैठे करने लगता है, उसको बड़ा अच्छा सा फीलिंग आती है, हमेशा गुड फीलिंग्स आने लगती है उसके हृदय में, इसलिए उसको बाहरी चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती सुखी रहने के लिए। अंदर से ही, जैसा भगवान गीता में कहते हैं, जो अंदर से ही सुख प्राप्त कर पाता है वही वास्तव में सेल्फ रियलाइज व्यक्ति है। जो व्यक्ति कभी बोर नहीं होता, समझ लीजिए जो व्यक्ति बोर होता है जैसे उसके अंदर अनर्थ है अभी, क्योंकि भक्ति में हृदय इतना निर्मल जाता है कि चिंतन कर करके, हमारे आचार्य तो बैठे बैठे ही चिंतन करते रहते थे और बैठे बैठे रोते रहते थे। सोचिए बिना टेलीविज़न के बिना कुछ करे आदमी बैठे बैठे ही रो रहा है चिंतन करके, तो हृदय जब बहुत निर्मल हो जाता है तो आनंद का सागर बन जाता है अपने आप। तो इसके लिए बहुत ही अनर्थों का हटाना बड़ा जरूरी है, इसलिए बार बार कह रहे हैं आइडेंटिफाई कीजिए कौन से ऐसे कमरे हैं, कौन से ऐसे इस मन के अंदर कौन सा कमरा है, कौन सा सिंहासन है, कौन सी कुर्सी है जिसके नीचे धूल जमी हुई है, कौन से हमारे अनर्थ हैं इच्छाओं के जो बार बार आते हैं और हमारे मूड को लस्टी बना देते हैं, ग्रीडी बना देते हैं, उसकी वजह से क्रोध आता है तो सारा मूड खराब जाता है। देन वी नीड समथिंग फॉर रिलैक्सेशन एन्जॉयमेंट। तो क्योंकि हमारा हृदय शीतल नहीं है, कि जैसे ही ये शीतल हो गया, मंदिर की इतनी सफाई हो गई तो क्या हो गया, शीतल हो गया, एकदम ठंडा ठंडक आ गई वहाँ पर, मन भावन हो गया, जैसे कि महाप्रभु का शुद्ध मन हो। शत शत जन जल भरे सरोवरे,
घाटे स्नान नाही केह कूपे जल भरे। क्योंकि सैकड़ों व्यक्ति सरोवर से जल लाने में लगे हुए थे, अतएव किनारे पर खड़े होने तक के लिए जगह नहीं थी, इसलिए कुछ लोग कुएं से पानी खींचने लगे। इतने लोग आ गए, देखिए, यद्यत आचरेती श्रेष्ठा, क्योंकि महाप्रभु ने खुद अपने आचरण से दिखाया। जैसे मैंने बोला था कि कई बार हम लोग किसी सीनियर को देखने के बाद जगते हैं, अरे हाँ करो करो करो, लग जाओ, सब लग जाते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि महाप्रभु स्वयं कर रहे हैं, तो सैकड़ों लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए, और कुछ सागर से पानी ला रहे थे, सरोवर से ला रहे थे सॉरी, और कुछ लोग कहाँ से ला रहे थे, कुएं से ला रहे थे। तो वैसे तो गुंडीचा मंदिर के पीछे ही एक सरोवर है, इंद्रद्युम्न सरोवर, और कुआं भी वहीं कहीं होने चाहिए। पूर्ण कुंभ लैया ऐसे शत भक्त गण, शून्य घट लैया आया आर शत जन। सैकड़ों भक्त जल से भरे घड़े लाते, और सैकड़ों भक्त खाली घड़ों को फिर से भरने के लिए ले जाते। यानी कि बारिश भी किसको क्या धोएगी, इतना धो दिया उन्होंने। नित्यानंद अद्वैत स्वरूप भारती पूरी, यहाँ विनु आर सबे आनी जल भरी। कौन कौन जल भरा था सुनिए। नित्यानंद प्रभु वॉज नॉट द लीडर ऑफ द पीपल देयर। नित्यानंद प्रभु घड़े भर रहे थे, अद्वैत आचार्य घड़े भर रहे थे, स्वरूप दामोदर, ब्रह्मानंद भारती सन्यासी लोग भी भर रहे थे, परमानंद पुरी, सॉरी यहाँ थोड़ा उल्टा बताया गया, इन लोगों को छोड़कर सारे लोग, पुरी को छोड़कर सारे लोग घड़ों में पानी भरकर लाने में व्यस्त थे। ये लोग क्या कर रहे थे, इनके बारे में शायद आएगा अभी। घटे घटे ठेकी कत घट भांगी गेला, शत शत घट लोक तहाँ लइया आईला। लोगों के परस्पर टकरा जाने से अनेक घड़े टूट गए। थोड़ी तो मिसमैनेजमेंट हो ही जाती है, उसके लिए ज़्यादा समझ टेंशन नहीं लेनी चाहिए, कुछ मिसमैनेजमेंट तो होगी। परफेक्शन की हम कोशिश करते हैं, बट परफेक्शन के लिए हम पागल नहीं हो जाते। कई बार हम देखते हैं कि कई लोग परफेक्शन के चक्कर में बहुत ज़्यादा डांट डपट हो जाती है। हम इमोशंस को भूल जाते हैं, पर्सनल रिलेशन को भूल जाते हैं, फीलिंग्स को भूल जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि परफेक्शन की हम कोशिश जरूर करते हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर सॉफ्ट रिलेशनशिप, जैसे हमने बोला हमारे लाइट मूवमेंट्स। तो कई बार अब इतना जब भागा दौड़ी हो रही थी, तो कई मटके ही टूट गए, और सैकड़ों लोग पानी भरने के लिए नए घड़े लाने लगे। उन्होंने भी कहा ठीक है हम रुकेंगे थोड़ी, नए घड़े, कितने घड़ों की बिक्री हो गई होगी उस दिन। 100 घड़े तो शुरू में ही चले थे, अब 100-200 टूट भी गए, तो यानी कि 300-400 घड़े तभी के तभी बिक गए, इतने झाड़ू बिक गए। जल भरे घर धोए करे हरि ध्वनि, कृष्ण हरि ध्वनि बिना आर नहीं सुनी। कुछ लोग घड़े भर रहे थे, कुछ लोग कमरों की धुलाई कर रहे थे, किंतु सारे लोग कृष्ण तथा हरि के नाम का उच्चारण करते जा रहे थे। हरि 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 हरि, इस तरह से चारों तरफ भगवान का नाम चल रहा था, कृष्ण के नाम का उच्चारण कर रहे थे। कृष्ण कृष्ण कही करे घटे र प्रार्थन, कृष्ण कृष्ण कही करे घट समर्पण। कोई व्यक्ति कृष्ण कृष्ण कहकर घड़ा मांग रहा था, घड़े मांगते हुए कृष्ण कृष्ण, हाँ वो कहता था कृष्ण कृष्ण, वो कहता था कृष्ण मतलब घड़ा दो, वो कहता घड़ा लो। हाँ तो इस प्रकार से, और कोई व्यक्ति कृष्ण कृष्ण कह के घड़ा दे रहा था। यही यही कहे सही कहे कृष्ण नामे, कृष्ण नाम हैला संकेत सवे काम है। जब किसी को कुछ कहना होता तो वह कृष्ण नाम का उच्चारण करके ऐसा करता। अतएव जिस किसी को जो भी मांगना होता उसके लिए कृष्ण नाम संकेत बन गया था। जैसे आप बोलते हैं हरि बोल हरि बोल, लेकिन आप बोलते हैं हरी बोल और सामने वाला बोलता ही नहीं हरी बोल। तो जब कोई आपको बोले हरी बोल, तो आपको क्या बोलना चाहिए, हरी हरी। हाँ जैसे कोई बोले हरी बोल ये देना, हरी हरी, उसके आदेश का पूर्ति होनी चाहिए ना। हरी बोल का मतलब क्या, बोल हरी बोल, तो बोल फिर हरी बोल, हरी हरी बोल। तो हमें आंसर में हरी बोलना ही चाहिए। तो जब वो बोलता कृष्ण कृष्ण, तो वो कृष्ण कृष्ण कहकर देता था। प्रेमावेश प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नाम, एकले प्रेमावेश करे शत जनेर काम। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर कृष्ण का नाम लेते थे, तो वे स्वयं सैकड़ों आदमियों का काम कर रहे थे। तभी तो उनका ढेर सबसे बड़ा था। कामचोर व्यक्ति क्या करता है ऐसे में, थोड़ी देर ढेर लगाता है, थोड़ी देर कहीं कोने में चुपक के बैठ जाता है। थोड़ी देर अगर व्हाट्सअप देख लूँ, बहुत देर हो गई, यहाँ तो चलता ही रहेगा, सवेरे से शाम हो गई है, कोई तरीका है, व्हाट्सअप देख रहा है किसी कोने में जाके, कोई वीडियो चला के देख रहा है, सब सफाई में लगे हैं, उसका ढेर छोटा है। बाद में क्या करा उसने, अपना ढेर किसी के ढेर में मिला दिया। तो जी मैं तो इसी ढेर में मिला रहा हूँ, अलग अलग क्यों बनाना है, इसी ढेर में मिला दिया मैंने तो, अपना क्यों दिखाना है,
दूसरे के ढेर में मिला दिया, ताकि पता ही ना चले कि मेरा ढेर कितना बना है। तो अलग से रिपोर्टिंग ना करनी पड़े, बल्क में सबके सबके उसमें ही मिश्रण हो गया। क्या करें, यहाँ पर बड़ी मुसीबत है। यहाँ पर रोज़ आपसे साधना SMS मांगे जाते हैं, साधना भरनी पड़ती है, अपनी अपनी साधना भरती। कितनी बढ़िया हो कि सब कंबाइंड साधना जाए, आज हमने सब ने मिलकर 1000 माला करी, वाह वाह वाह, पता ना चले। आज हमने 1500 माला करी, लेकिन मुझे बताना पड़ता है कितने बजे करी, कितनी करी। तो अपनी रिपोर्टिंग भी बड़ी ज़रूरी है। तो महाप्रभु का जो ढेर था वो सबसे बड़ा था। शत हस्ते करे न येल ये न शालन मार्जन प्रति जन पाशे याई करान शिक्षण। ऐसा प्रतीत होता मानो श्री चैतन्य महाप्रभु 100 हाथों से सफाई धुलाई कर रहे हो। ही वॉज कृष्ण हिमसेल्फ, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उनका जो एक्टिवनेस था, उनका जो भाव था। ऐसा हमने बताया, जो व्यक्ति मन से आलसी होता है वो शरीर से भी आलसी जाता है। उसको रेस्ट ढूंढना होता है, जगह जगह जाके वो देखता है कब कहाँ पे जाके छुप जाऊँ, कहाँ पे जाके थोड़ा सा आराम कर लूँ। लेकिन महाप्रभु ऐसे काम कर रहे थे जैसे 100 हाथों से काम कर रहे हो। वे हर एक भक्त के पास ये शिक्षा देने पहुँच जाते कि किस तरह काम करना चाहिए। ये और मुसीबत थी, थोड़ी थोड़ी जाके क्या कर रहे हो तुम, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करो ऐसे करो। तो इससे कुछ लोगों को तो बड़ा आनंद मिलता होगा, और कुछ लोग जो आलसी होंगे वो बड़े परेशान हो गए होंगे, है ना। और इसीलिए ऐसे लोग अक्सर छोड़ के भाग जाते हैं, है ना। जैसे ही आध्यात्मिक मित्र उन्हें फ़ोन करते हैं ये करिए ये करिए ये करिए, तो हम देखते हैं कई लोग उनका रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। फ़ोन पर रिप्लाई, मैंने क्लास तो अच्छी है, बट क्लास ही अच्छी है, कानों को अच्छा लगता है, चलो ठीक है क्लास करना भी ठीक है, लेकिन हमें एक्टिव होना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा यथार्थ में। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना कि केवल ग्लोरिफिकेशन करने से क्या होगा, हमें एक्चुअली में अभी तो कुछ करना होगा। वी हैव टू सर्व, हमें भगवान की गुरु की सबकी चिंताओं को लेना होगा। ऑल दो हम चिंगारी के भांति हैं, लेकिन फिर भी प्रयास तो करते ही हैं। तो ऐसा प्रतीत होता था मानो श्री चैतन्य महाप्रभु 100 हाथों से सफाई धुलाई कर रहे हों। वे हर एक भक्त के पास ये शिक्षा देने के लिए पहुँचते कि काम किस तरह करना चाहिए। और कृष्ण हमें दिखाते हैं कैसे हमेशा हमें बिजी रहना चाहिए। जैसे हम सुनते भी हैं कि यदि हम थोड़ी देर भी बिजी नहीं रहते हैं, आराम पसंद है, तो हमारे जीवन में हमारे मन में माया घुस जाती है, एंटर कर जाती है, कई चीज़ें उसके साथ घुसती हैं, क्रोध है, लस्ट है, लोभ है, सारी चीज़ें घुस जाती हैं। वी शुड एंश्योर कि हमारे साथ हमेशा कृष्ण है इन द फॉर्म ऑफ हिज नेम और उनकी सेवाओं के माध्यम से, ताकि माया को हम दूर भगा सकें। इसलिए हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। आप जानते हैं ऐसा लगता है, हमें आदत पड़ चुकी होती है दिन में सोने की, रात को ज़्यादा सोने की, सवेरे ज़्यादा सोने की, तो ऐसा लगता है बड़ी थकान है। कई बार कोई व्यक्ति जल्दी उठ जाता है, कहता है थकान है, उसको अपने आप को लॉजिक दे देता है कि बहुत थका हूँ मैं, आज नहीं कर पाऊँगा, मैं बहुत थका हूँ। हाँ, हम अपने आप को ही लॉजिक देते हैं। हमने वो एग्जांपल सुना था जिसमें कि शिल प्रूपा जो है, आप लोगों ने सुना था ना, अभी किसी कुछ दिन पहले किसी ने बताया था कि शिल प्रूपा के एक सन्यासी शिष्य थे, ऐसा लगता था कि उन्हें थोड़ा सा प्राउड आ गया है। तो शिल प्रूपा उनको रात को 1 बजे हाँ जाके बुलाते हैं कि उसको बुलाओ कहाँ हैं। तो वो बेचारे रात को उठते वाते हैं, कहते क्या कर रहे थे, कहते क्या कर रहे थे, मतलब सो रहे थे इस वक्त और क्या करेगा, कह रहे सो रहे थे, तुम्हारा गुरु तो जग रहा है, तुम कैसे सो रहे थे। बात तो बहुत बढ़िया है कि गुरु जग रहा है तो तुम कैसे सो रहे हो। क्योंकि शिल प्रूपा जो है रात को बैठ के सारी बुक्स को ट्रांसलेशन करते थे, 12 बजे तो उठ के 12 से 3 तक बुक्स ट्रांसलेशन करते थे, उसके पहले 2-3 घंटे सो जाते थे। अगर तुम्हारा गुरु तो जग गया है तुम कैसे सो रहे हो, बोले मैं परमहंस नहीं हूँ शिल प्रूपा। तो कहने क्यों नहीं हूँ परमहंस, ये बताइए, अब इसका आंसर क्या दे। हाँ, कई बार हम बोलते हैं ना मैं तो पति हूँ, मैं आप जैसी कैपेसिटी नहीं रखता, कोई बोलते तो क्यों नहीं रखते हो। तो ये सोचने की बात है कि हम अक्सर अपने आप को बहुत सारे रीज़न दे देते हैं कि हम थके हुए हैं, और उससे क्या होता है, हम वास्तव में थक जाते हैं। यहाँ पर चैतन्य महापुरुष दिखा रहे हैं और दूसरों को बता रहे हैं कि कैसे करना चाहिए। भाल कर्म देखी तारे करे प्रशंसन, प्रशंसन मने नामी लीले करे पवित्र भरसन। जब कोई ठीक से काम नहीं करता था महाप्रभु उसकी प्रशंसा ठीक से करता था तो प्रशंसा करते थे, लेकिन जैसे ही देखते थे कि संतोषजनक कार्य नहीं कर रहा है या काम चोरी कर रहा है, तो बिना किसी द्वेष के उस व्यक्ति की प्रताड़ना करते। द्वेष के मतलब बिना द्वेष के क्या होता है, द्वेष के साथ प्रताड़ना क्या होती है, आपने किसी को डांटा, अब आप उससे 2 घंटे तक नाराज हैं, 3 घंटे तक नाराज हैं, इसका मतलब आपके हृदय में दोष था, द्वेष था। और एक है आपने किसी को डांटा और दूसरे सेकंड में उससे बात करने लगे, यानी कि द्वेष रहित होकर, हृदय में नहीं रखा उसको,
देखा कि गलत कर रहा है, डांट मार दी जोर से, क्या कर रहे हो ये, कैसे थक गए तुम, देखो जरा जहाँ पर झाड़ू मार, आगे झाड़ू मार, आगे पोंछा मारते जा रहे हो, पीछे से अपने पाँव से गंदा गिरी जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, देखिए तुमने यहाँ पर जब पोंछा मारा, देखो वहाँ कितनी धूल दिख रही है, क्या कर रहे हो तुम, ये ढेर तो लगा दिया, इसको बाहर फेंक के कबाओगे, अब वो आलस में बेचारा कर रहा है किसी तरह से, महाप्रभु कर रहे हैं तो उसको भी मजबूरी में करना पड़ रहा है। जैसे मैंने बताया श्रील प्रभुपाद के साथ जो व्यक्ति काम करते थे तो बेचारे कई बार परेशान हो जाते थे कि प्रभुपाद तो थकते ही नहीं है, हम क्या करें, कैसे करें इतना काम, घसीटते चलते थे बेचारे, लेकिन उन्होंने घसीटने को भी अलाउ किया, हम घसीटने के लिए भी अलाउ करते हैं। और थोड़े दिनों में उनको उसकी आदत पड़ गई, प्रैक्टिस हो गई, बॉडी चेंजेस, हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, हमें आदत पड़ती है, कैपेसिटी बढ़ती है, लेकिन जो व्यक्ति आराम पसंद हो उसकी कैसे कैपेसिटी बढ़ेगी। तो महाप्रभु कई बार डांट देते थे, कई बार प्रशंसा करते थे, लेकिन द्वेष नहीं रखते थे हृदय में। तुम्ही भाल कर याच शिखा या अन्येर एई मत भाल कर्म से हो ये न करे। महाप्रभु कहते तुमने बहुत अच्छा किया है, तुमने दूसरों को भी सिखला दो, तुम दूसरों को भी बताओ जिससे वह भी तुम्हारी तरह काम करें। अब ये तो बड़ी समस्या हो गई भक्तों के बीच में, किसी व्यक्ति को बड़ा प्रशंसा कर दी गई है, अब वो दूसरों को समझाने जाएगा, हाँ बड़ा लीडर बन रहा है, चला जाए से, नहीं तो मन तो कहेगा ही, मतलब महाप्रभु से तो इंस्ट्रक्शन ले लेंगे क्योंकि वो तो महाप्रभु हैं, हमारे स्वामी हैं, लेकिन एक भक्त को अगर बोल दिया जाए तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये ढेर पोंछा लगाया, अब जाके दूसरों को बताओ, तो दूसरों को बड़ी परेशानी होने लगती है। यही हमारा अहंकार, मंदिर मार्जन कर रहे हैं या कहीं सफाई कर रहे हैं लेकिन मन की मार्जन नहीं हुआ है, इसलिए किसी की इंस्ट्रक्शन नहीं लेंगे। जैसे मैंने बताया था, हम बच्चे बन जाते हैं, बच्चे, हाँ कोई कहेगा ऐसे नहीं पहुँचे को ऐसे नहीं छोड़ो, हम जानबूझ के सुनेंगे नहीं, हम कुछ करते रहेंगे जैसे कि हम सुनाई नहीं दे रहे हैं, थोड़ी देर में बोल के बेचारा चले जाएगा, और पहुँचे को वैसे नहीं छोड़ेंगे, हाँ जैसे बच्चा कहता ना ये ऐसा नहीं करूँगा उल्टा करूँगा, तो कुशल मैनेजर उस वक्त क्या करता है, उल्टा बताता है, क्या करे कि पहुँचे को ऐसे मत निचोड़ना, तो वो ऐसे ये ले ऐसे ही निचोड़ूंगा और फिर करूँगा। तो ये जो है ना द्वेष, हमारे हृदय में द्वेष ही तो भरा है, हम हमेशा किसी को अपने सर पे आने नहीं देना चाहते हैं। तो महाप्रभु ने यहाँ पे कुछ लोगों को देखा कि ये लोग मार्जिन का काम अच्छा कर रहे हैं, अब जो मार्जिन का काम अच्छा कर रहा है हो सकता है दूसरा व्यक्ति अच्छा नहीं कर रहा है, जो दूसरा व्यक्ति अच्छा नहीं कर रहा है हो सकता है लेक्चर बहुत अच्छा देता हो, अब जो मार्जिन अच्छा कर रहा है वो उसको बता रहा है प्रभु जी ऐसे नहीं, ये पोंछा है पोंछा, ये लेक्चर नहीं है। और हमारे लेक्चर देने वाले साहब उनको आग बबूला हो गए, अरे मेरे को बता दिया, ये झाड़ू पोंछा मारता है रोज, मेरे को गाइड कर रहा है, मेरे को बता रहा है, हमें सोचना चाहिए झाड़ू मारने में वही उस्ताद है, वही गुरु है, क्यों ना उसको गुरु बना लिया जाए। दत्तात्रेय ने कितने गुरु बनाए, हम एक नहीं बना सकते क्या, उन्होंने तो सांप को अजगर को पता नहीं किस किस को गुरु बना लिया, तो हम क्यों ना गुरु बनाए, लेकिन हमें लगता है अगेन वी आर सीनियर। हमारे कई बार हमारे वैष्णवगण लेक्चर देते बोलते हैं सीनियर का मतलब सिन हेयर, कहाँ सिन हेयर सीनियर, तो जैसे जैसे हम सीनियर होते हैं ये अहंकार हमारे हृदय में आते हैं। तो महाप्रभु ने कुछ लोगों को बोला तुम दूसरों को भी सिखला दो जिससे वो भी इसी तरह से काम करें। एकथा सुनिया सबे संकुचित हैया भाल मते कर्म करे सबे मन दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा सुनकर हर व्यक्ति लज्जित हो जाता, इसलिए भक्तों ने बड़े ही मनोयोग से काम करना आरंभ कर दिया। ये भक्त तो कुछ डिफरेंट ही थे, ये तो उल्टा लज्जित हो जाते थे, उनको लगता था ओहो मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, महाप्रभु को बोलना पड़ रहा है, बार बार बोलना पड़ रहा है, डांटना पड़ रहा है, किसी को भेजना पड़ रहा है ठीक से करो, मैं कितना दुष्ट हूँ, तो वो लज्जित हो जाते थे और ज़्यादा ध्यान से काम करने लगते थे। ये भक्त का लक्षण है ना, कि वो जब भी कोई आता है, जैसे हमने सुना था कि श्रील प्रभुपाद को एक रास्ते चलते व्यक्ति ने, एक नॉर्मल आदमी ने कहा कि भैया ये मैगजीन क्यों बेचते हो, पुस्तकें क्यों नहीं बेचते। अब उसने बोले हाँ आई एम द संस्थापक आचार्य, ये मुझे बता रहा है कि मुझे क्या छापना चाहिए ना। श्रील प्रभुपाद उसको बड़े ध्यान से लेते हैं और वास्तव में सोचते हैं कि हाँ कह तो सही रहा है, मैं मैगजीन क्यों बना रहा हूँ, मैं पुस्तकें क्यों नहीं छाप रहा हूँ, और उसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। एनी सजेशन एनी इनपुट गिवन बाई ए सीनियर और अ जूनियर, हमें उसको बड़े ध्यान से लेना चाहिए, लेकिन हमारा अहंकार उसको लेने नहीं देता है। तो आइए इस अहंकार को फेंक दें, इस सारी धूल को उठा के फेंक दें, सारी गंदगी हृदय से साफ करें, ताकि हमारा हृदय सफाई करने से भी प्रफुल्लित हो जाए। वो ये ना कहे प्रभु जी क्या सेवा दे रखी है मुझे, कुछ सेवा दो बढ़िया वाली, ये क्या मैं सिर्फ सफाई के काम में लग गया हूँ, तो ऐसा हमारा हृदय कभी ना कहे। श्रील प्रभुपाद की जय।
श्री कृष्णदास कविराज की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय।